देखिए, ये तो कोई नहीं जानता कि कब किसकी किस्मत पलट जाएगी, मगर हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम जहां पर जिस लेवल पर काम करते हैं उसमें हम इतनी मेहनत कर लें कि ऊपर वाले को भी एक वक्त पे आकर हमारी झोली भरनी ही पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ रानो मंडल के साथ, एक ऐसी महिला जो पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर भीख मांग के लता मंगेशकर के कुछ गानों को गुनगुनाकर अपने पेट को भरती थी। उस रानो मंडल ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी कहानी रातों रात पलट जाएगी। रानो मंडल यकीनन ही वहां पर आते जाते लोगों को देखकर उनसे तमाम चीजें सुनती होंगी कि ऐसे किस्मत बदल जाती है, ऐसे रातों रात लोग सितारे बन जाते हैं। मगर रानो के दिल में और रानो के मन में ये कभी भी नहीं आया होगा कि कभी क्या मेरी भी किस्मत बदलेगी, क्योंकि रानो ने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया था जो यकीनन ही आज भगवान को उसकी झोली भरनी ही पड़ी। रानो मंडल किस तरीके से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है आप सभी जानते हैं। रानो मंडल को तकरीबन ही कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 गाने उन्हें ऑफर हो गए हैं। रानो मंडल के पहले गाने की फीस भी यकीनन 6 से 7 लाख रुपया रही। अब ऐसे में रानो मंडल का बीते दौरान उनकी जिंदगी को लेकर तमाम बड़े खुलासे किए जा रहे थे। रानो मंडल के पति से लेकर उनके बच्चे और बच्चे से लेकर उनकी 2 शादियां, उस पे तमाम चीजें सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी। मगर जनाब, आपको बता दें कि पहली बार रानो मंडल की तरफ से एक बड़ा इंटरव्यू सामने आया है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। यहां पर मैं जिक्र कर रही हूं एक ऐसी महिला का जिस महिला की कहानी रातों रात बदल गई। उस महिला की आवाज इस कदर हर किसी के दिल पे उतरी कि उसने बिना अमीरी के यहां पर हर किसी के दिल पे राज कर लिया। रानो मंडल एक ऐसी महिला जो एक ऐसी इंस्पिरेशन बन गई है कि अगर आपकी मेहनत सच्ची होगी, अगर आपके हौसलों में जान होगी, तो पंख आपको ऊपर वाला अपने आप देगा। दरअसल रानो मंडल ने हाल ही में अपनी बेटी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। लगातार रानो मंडल की बेटी एलिजाबेथ को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी। रानो मंडल की बेटी को लेकर कहा ये जा रहा था कि रानो मंडल कहीं ना कहीं 10 साल से इस गरीबी से जूझ रही है और 10 साल के बाद इतना पैसा, इतनी शोहरत मिलने के बाद बेटी आखिरकार क्या करने आई है। बेटी को लेकर यहां पर धमकियां भी मिली, बेटी को लेकर यहां पर तमाम सवाल भी उठे। अब ऐसे में रानो मंडल की बेटी को लेकर जिस तरीके से तमाम चीजें आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे होंगे, जनाब आप उसकी मां का इंटरव्यू सुन के हक्के और बक्के रह जाएंगे। यानी कि आपको इतनी हैरानी होगी कि उस मां ने अपनी बेटी की सारी सच्चाई खोल दी जो सोशल मीडिया पर तमाम दिनों से चर्चा का कारण बनी हुई थी कि आखिरकार रानो मंडल की बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। अब क्या कुछ कहना है रानो मंडल का, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में काफी लंबे समय से रानो मंडल की बेटी यानी कि एलिजाबेथ को लेकर तमाम चीजें कही जा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि रातों रात फेमस हुई रानो मंडल, उसके बाद में उनकी बेटी एलिजाबेथ का यूं 10 साल बाद वापस आ जाना, जनता उनको अपने निशाने पर ले रही थी। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पहली बार एलिजाबेथ साथी रॉय, जो इनका पूरा नाम है, उनकी मां रानो मंडल ने अब अपनी बेटी को लेकर जवाब दिया है। हाल ही में बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये गलत फहमी है कि एलिजाबेथ जो है उनके साथ नहीं थी, ये गलत फहमी फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ कुछ गलत फहमियां हुई हैं या फिर कोई एलिजाबेथ को भड़का रहा है ताकि वो ये सब कुछ कहे। अतेंद्र और तपन मेरा पूरा ख्याल रख रहे है। एलिजाबेथ ने जितेंद्र और तपन पर यह भी आरोप लगाए थे कि दोनों मिलकर उनकी मां के पैसों का खुद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर रानो ने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल घरेलू सामान, रसोई गैस और आने जाने के किराए में लगाया गया है। लोगों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और मैं करती हूँ।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर द्वारा गाया एक गाना एक प्यार का नगमा गाकर गुनगुनाकर ये रातों रात जो है एक स्टार बन गई। और ऐसे में जिस तरीके से बेटी को लेकर यहाँ पर रानो मंडल का कहना है कि वो नहीं जानती हैं कि कौन उनकी बेटी का ब्रेन वॉश कर रहा है, वो नहीं जानती है कि कौन उनकी बेटी को यहाँ पर जो है किस तरीके से ये तमाम चीज़ें कहने को कह रहा है। दरअसल आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से 10 साल यानी कि जब रानो मंडल यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आई थी तब कहा ये जा रहा था कि 10 साल तक रानो मंडल अकेले ही अपनी देख रेख कर रही थी। रानो मंडल की ना तो तब बेटी आई और ना ही तब रानो मंडल का कोई भी बच्चा आया। हालांकि बाद में ये सच्चाई खुली कि रानो मंडल के 4 बच्चे हैं और ऐसे में चारों ही बच्चे अपनी देख रेख कर ले वो ही काफ़ी हैं, ना कि वो अपनी माँ के बारे में सोचते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि जब तमाम आरोप उनकी बेटी एलिजाबेथ पर लगने लगे, तमाम धमकियां उन्हें मिलने लगी, तब रानो मंडल ने अपनी चुप्पी को तोड़ा। रानो मंडल ने यहाँ पर साफ तरीके से हमने बताया क्या कुछ उनका कहना है। उनका यही कहना है कि उनके दोनों बेटी उनका ख्याल रखते थे, वो नहीं जानती हैं कि आखिरकार उनकी बेटी झूठ क्यों बोल रही है। यानी कि रानो मंडल का कहना है कि उनकी बेटी एलिजाबेथ जितनी भी बातें कह रही हैं वो झूठ है। अब हालांकि क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अब यहाँ पर हम अगर रानो मंडल का ही जिक्र करें तो रानो मंडल की किस्मत यकीनन ही रातों रात पलट गई। रानो मंडल जो है रातों रात जो है एक आम से खास बन गई। रानो मंडल ने अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से उन्हें जो है इस इंडस्ट्री में मौका मिलेगा और उनकी आवाज़ पर तमाम गाने जो हैं लेकर आए जाएंगे। ऐसे में आप सभी को बता दें कि रानो मंडल जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी आम औरत थी जो पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर बैठकर भीख मांगती थी। रानो मंडल जो है अपने पेट को पालने के लिए भीख मांग के कुछ गानों को गुनगुनाया करती थी। अब ऐसे में जिस तरीके से रानो मंडल के उन गाने के पहले यानी कि उनके पहले गाने पर उन्हें 6 से 7 लाख रुपया मिला है उससे यकीनन ही रानो मंडल जो है तमाम चीज़ों को करेंगी और ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि क्या रानो मंडल को जिस तरीके से हिमेश ने लॉन्च किया है क्या रानो मंडल को अब इस इंडस्ट्री में और काम मिलेगा। क्योंकि लगातार ऐसी फेक खबरें सामने आ रही हैं कि दबंग 3 में रानो मंडल की आवाज़ आएगी, यानी कि सलमान खान रानो मंडल को दबंग 3 में गाने का मौका देंगे। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा और साथ ही साथ हो भी सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म अब दबंग 3 2020 में रिलीज होगी। जो फिल्म 2019 में रिलीज होने वाली थी वो फिल्म अब डिले हो गई है और कई इश्यूज के कारण कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म अब 2020 ईद पर रिलीज की जाएगी। अब देखने वाली बात तो यही रहेगी कि क्या रानो मंडल को इस इंडस्ट्री में मौका मिलेगा, क्या रानो मंडल अपने आप को साबित कर पाएंगी, क्या रानो मंडल और बेहतर गाने गाती हुई देखी जाएंगी। यकीनन आपने देखा कि किस तरीके से रानो मंडल ने अपनी बेटी को लेकर यहाँ पे खुलासा किया। रानो मंडल ने यहाँ पर साफ शब्दों में कहा कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है। रानो मंडल ने यह भी कहा कि उनके बच्चे उनकी देखरेख करते थे। और यहाँ पर बीते लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि रानो मंडल के परिवार को लेकर जितनी झूठी खबरें और जितनी वायरल खबरें सामने आ रही हैं उस सभी पे रानो मंडल ने पानी फेर दिया। रानो मंडल की बेटी को धमकी मिल रही है, रानो मंडल की बेटी पर सवाल उठ रहे हैं लगातार कि आखिरकार रानो मंडल को जब शोहरत मिल गई, जब एक फेम मिल गया, एक पैसा मिल गया तो उनकी बेटी वापस आ गई। मगर रानो मंडल का कहना है कि वो नहीं जानती कि उसकी बेटी ने झूठ क्यों बोला, उसकी बेटी उसकी देखरेख करती थी और यहाँ पर परिवार वाले भी मेरी देखरेख करते थे। अब जिस तरीके से यहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कहानी कुछ और ही है।
मगर अभी फेम पाने के लिए, वो शोहरत पाने के लिए शायद कहानी को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, शायद कहानी को कुछ और तरीके से दिखाया जा रहा है और जनता से सच छुपाया जा रहा है। मगर हम यहाँ पर एक चीज कहना चाहते हैं कि झूठ और फरेब ज्यादा समय तक चलता नहीं है, भले ही कुछ टाइम के लिए ये चीजें जो हैं अभी फेमस हो जाए, मगर जो सच है वो सामने आकर रहेगा। जिस तरीके से यहां पर रानू मंडल ने अपनी बेटी को जो लेकर स्टेटमेंट दिया है, उससे यकीनन ही उनकी बेटी को झटका जरूर लगेगा, क्योंकि यहां पर काफी लंबे समय से बेटी ये कह रही है कि मैं अपनी माँ से 10 साल से जुदा थी, और ऐसे में यहां पर रानू मंडल का कहना है कि वो झूठ बोल रही है। चलिए सच्चाई क्या है और क्या नहीं, ये बेहद ही जल्द सामने आएगी। रानू मंडल यूं ही तरक्की करें, यूं ही आगे बढ़ते रहें, हम तो यही चाहते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हां, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।